मतलब 2018-19 का जो कॉटन सीजन रहा आपके लिए वो उसके अगले साल के कंपैरिजन में किस तरह रहा, मतलब आपके प्रोडक्शन में कुछ फ़र्क पड़ा? बिकॉज हमारे बीच में आज CAI है, CCI है, सिटी है, क्रॉप फिगर्स सब के अपने अपने स्टडी के हिसाब से आ रहे हैं, लेकिन एक स्टेक होल्डर जो प्रोसेस करता है कॉटन और इंडिया में सबसे ज़्यादा करता है, तो उनकी ज़ुबानी हम सुनना चाहेंगे कि प्रोडक्शन के हिसाब से आपके क्या व्यू। इस साल हमने पूरी फुल परचेज की ट्राई किया, उसके बाद 20% कम प्रोडक्शन हमारा फैक्ट्री को हुआ, कहीं पे 35% कम हुआ है, कहीं 40% तक कम प्रोडक्शन आया है, कहीं 10% आया, कहीं इक्वल भी हुआ है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो लास्ट ईयर से हम लोगों ने जो परचेज की है प्रोडक्शन हमारी फैक्ट्री पर 22% लेस है। 20-22% ओवरऑल आपकी ये नहीं कि हमने परचेज बंद कर दिया कोई वजह से नहीं थी तो वो कम होना एक अलग बात है, पर फुल फ्लेस बाइंग होने के बाद भी 20% एवरेज हम लोगों की कम है। जहाँ तक कंटामिनेशन का सवाल है, हम लोग अभी उसको काफ़ी इम्प्रूव करके 1200 रुपये प्रीमियम तक कॉटन बेच रहे हैं। ये नहीं हम लेस तो नहीं कह सकते, पर हम कंट्रोल कर सकते हैं, 100% लेस करते नहीं, 1% गारंटी के साथ भी मैं भी कॉटन बेच रहा हूँ आज के टाइम में। 1% कंटामिनेशन वन बेल इस कंडीशन पे मैं अभी 1200-1400 ग्राम से करते हैं, ग्राम होते हैं तो कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि अभी मैं सब फार्मर्स को बोलना चाहता हूँ कि अगर ये धीरे धीरे कंटामिनेशन लेस करते हैं डेफिनेटली इनको भी 100-200 रुपये क्विंटल का प्रीमियम मिलना ही है। आज डायरेक्ट नहीं समझ में आएगा, पर धीरे धीरे उसका जब बेस प्राइस बढ़ जाएगा तो सीधा इफेक्ट आने वाला ही है। और इनको कंटामिनेशन लेस करने के लिए 1 रुपये भी खर्चा नहीं करना है। सबसे बड़ी तारीफ की बात क्या है, सिर्फ अवेयरनेस चाहिए कैसे उसको पिकिंग किया जाए और पीपी बैग का यूज़ नहीं किया जाए और अपने घर में ढंग से रखें, पीपी बैग का नहीं करने पर जाए, वहीं खाना खा रहे हैं, वहीं बैठे सब कुछ कर रहे हैं। और जिनिंग फैक्ट्री तक अगर ये केयर कर लेते हैं जिसमें कि उनकी कॉस्ट 0 है, अगर इतनी केयर कर ले तो घर बैठे अगर 100-150 रुपये का प्रीमियम आने वाले समय में मिलेगा तो उनको क्या प्रॉब्लम है, करना चाहिए। थैंक यू बाबू भाई। तो ये बात थी कि क्रॉप पोजीशन डेफिनेटली थोड़ी डिस्टर्बिंग है, और कितनी डिस्टर्बिंग है ये अगर जिनर पॉइंट ऑफ व्यू सुने तो वो बोलते हैं 20% जितना कम है।